देखिए, प्रेम शब्द का मतलब है आपको प्रेम का अनुभव अपने भीतर भावनाओं की कुछ मिठास के रूप में होता है। या तो इस व्यक्ति को देखकर या उसे देखकर या उसे देखकर हम नहीं जानते कि कौन आपके अंदर इस चीज को प्रेरित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें आपकी मदद किसने की, मगर मुख्य रूप से ये आपके अंदर हुआ है ना। शायद आपके भीतर जो हो रहा था वो इतना उल्लास से भरा था कि आपने उसे हर जगह देखा। आप प्रेम में हैं इसलिए आपको लगा कि फूल आपके लिए खिले, पक्षी आपके लिए गा रहे हैं, बादल आपके लिए तैर रहे हैं। ठीक है, मैं सारा रोमांस खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, मगर असल में ये आपके भीतर हो रहा है। ये बहुत अच्छा है कि आप भावना की ऐसी मिठास का अनुभव कर रहे हैं जो किसी ने प्रेरित की है। आप असल में दूसरे व्यक्ति का एक चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अपने भीतर एक अनुभव को खोल सकें। मैं आपसे पूछता हूं, आप चाबी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब ताला ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, जब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है? बात बस ये है कि आप धक्के से शुरू होने वाली मशीन, अब सभी गाड़ियां अपने आप स्टार्ट होने वाली हैं, कई तो रिमोट से स्टार्ट होती हैं। इसका क्या मतलब है? तकनीकी विकास। आप तकनीकी संस्थान है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी तकनीक को इस तरह अपग्रेड करना चाहेंगे कि आप सेल्फ स्टार्ट पर आ जाएं? आप सुबह उठें तो आप खुशी, प्यार और उल्लास से अपने आप छलक रहे हो। आपको किसी और की प्रेरणा की जरूरत ना हो, क्या आप एक सेल्फ स्टार्ट मशीन बनना चाहेंगे? अभी जो लोग हवा में प्यार देख रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, आपको उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप कहिए, ठीक है, ठीक है, मगर ये बहुत जरूरी है कि आप एक सेल्फ स्टार्ट मशीन बने, वरना कुछ समय बाद After some time, आप दूसरे इंसान से खुशी निचोड़ने की कोशिश करने लगेंगे, तभी ये प्रेम संबंध मुश्किल और भयंकर हो जाते हैं, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति से खुशी निचोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब खुशी की बात हो, प्रेम की बात हो, जीवन के उल्लास की बात हो, उसका स्रोत आपको होना चाहिए। बाकी चीजें जीवन में साझा की जाती हैं। किसी रिश्ते का हिस्सा बनने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप किसी से कुछ निचोड़ना चाहते हैं, दूसरा तरीका है कि आप किसी से कुछ साझा करना चाहते हैं। ये दो तरीके हैं। अगर आप साझा करने निकले हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा, अगर आप निचोड़ने निकले हैं तो उनके नल बंद कर देने पर सब कुछ भयंकर और बुरा हो जाएगा। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो सोचते थे कि वो जबरदस्त प्रेमी हैं। ऐसे कई लोगों के लिए स्थितियां कितनी बुरी हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि उनमें कुछ गलत है, बस इसलिए क्योंकि आपने गलत कदम से शुरुआत की, ये सोचते हुए कि ये इंसान मेरी खुशी का स्रोत है। नहीं नहीं नहीं, खुशी या दुख, उसका स्रोत आपके अंदर है, आया ना? वो खुशी हो या दुख, स्रोत आपके ही भीतर है। तय आपको करना है, अगर आप एक खुश मिजाज इंसान हैं तो वो भी आपके साथ रहना चाहेंगे, अगर आप दुखी हैं तो वो कुछ समय तक आपको झेलेंगे। तो आई लव यू का मतलब बहुत से लोगों के लिए ऐसा होता है, क्या आपने सुना है, खुल जा सिम सिम। आप कुछ पाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपकी जरूरतें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक या पता नहीं क्या क्या हों, आपकी जरूरतें हैं, तो आप इस मंत्र का इस्तेमाल उन्हें पूरी करने के लिए करते हैं और ये कारगर होता है, आधी बार ये काम करता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी है कि आप प्रेम से भरे होने की खुशी को जानें, क्योंकि भावनाओं की मिठास आपके लिए तब जरूरी हो जाती है जब आप अपने जीवन में वाकई बड़े कदम उठाना चाहते हैं। अगर आपके दिल में प्रेम की मिठास नहीं है तो मेरी बात मानिए, अगर आप दुनिया में, खासकर भारत में, बड़े कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो आप हताश हो जाएंगे और कनाडा चले जाएंगे।